ऐसे मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में आगरा के समाजसेवी संगठन द्वारा ऐसे मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। समाजसेवी संगठनों का कहना है कि नेत्र दान करने में सबसे बड़ा सहयोग ऐसे मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों का है। एस एन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में डॉक्टर शेफाली मजूमदार और उनकी टीम का सम्मान वर्ष 2004 में अशोक जैन ने अभियान शुरू करके किया, तो नेत्रदान के प्रति भ्रांतियां दूर हुई। आगरा विकास मंच की पहल पर एस एन मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग में विश्व नेत्रदान दिवस पर शहर के सामाजिक संगठनों ने बड़ा संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसा अभियान चलाएंगे कि आगरा की कॉर्निया प्रतीक्षा सूची समाप्त करेंगे। आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन, संयोजक सुनील कुमार जैन ने कहा कि आगरा में 2004 में आगरा विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष अशोक जैन सीए ने अभियान शुरू किया। आज आगरा विकास मंच, क्षेत्र बजाया कमेटी, हेल्प आगरा एवं सत्यमेव जयते सभी सामाजिक संगठनों ने एसएन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में डॉक्टर सैफाली जी एवं रेजिडेंट डॉक्टर्स एवं जो भी स्टाफ मदद कर रहा है ओटी है उन सब में उनको सम्मानित किया और उनकी अनुमोदना की, क्योंकि नेत्रदान प्रकल्प की यदि वास्तव में कोई उसके हकदार हैं सम्मान के, तो वो जे स्टाफ नेत्र विभाग का और यहाँ के डॉक्टर सैफाली जी एवं उनकी टीम है। बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस किया एवं सभी संगठनों ने कैसे नेत्रदान प्रकल्प आगे बढ़े और मजबूती से नेत्रदान हो, जिससे कि जो यहाँ पर बहुत बड़ी वेटिंग है ने कॉर्निया प्राप्त करके रोशनी प्राप्त करने की, अंधत्व को दूर करने की, वो नेत्रदान से कॉर्निया प्राप्त हों और नेत्रदान होकर वो अपने जीवन में रोशनी से आलोकित हों। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शेफाली मजूमदार और उनकी टीम के कारण अभियान को गति मिली, इसीलिए उन्हें सम्मानित कर हम गौरवान्वित हैं। उन्होंने नेत्रदान के प्रति सकारात्मक रुख के लिए आगरा की मीडिया को भी सराहा। अब आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है और आगरा तो देश का वो जागरूक शहर है जहां सर्वाधिक संख्या में बड़ी परिसंपन्न नेत्रदान होते हैं। आगरा के सामाजिक संगठनों के सहयोग से शहर में 20 वर्षों में एक जागृति आई है और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अब पुरानी मान्यताओं को छोड़कर ये एक शहर स्वयं जागरूक हुआ है और एसएन मेडिकल कॉलेज की जो नेत्र विभाग की टीम डॉक्टर शेफाली मजूमदार जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसके सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में नेत्रदान भी हो रहा है और निरंतर कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी हो रहा है। हम लोगों का संकल्प है, हमें आज जानकारी हुई कि लगभग 70 मरीज ऐसे हैं अभी जो वेट लिस्टेड हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए, और हम संकल्प ले रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी 31 मार्च 2025 में आगरा वेटलिस्ट लेस, कॉर्निया के कमी ना होने के कारण से किसी का आंखों की रोशनी ना आ पाए, ये ऐसा हम जागरूक शहर बनाएंगे। आज नेत्रदान दिवस पर मैं वो सारे नेत्रदाता जो पुण्यात्मा हैं और उनके परिजनों के लिए बहुत सादर नमन और उनको साधुवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस के उपलक्ष्य में एसएन मेडिकल कॉलेज में एक आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की समस्त सारी सामाजिक संस्था एकत्रित हुई और सबने ये प्रण लिया है कि आगरा में अब कोई भी व्यक्ति नेत्रहीन ना रहे। इस कारण आज सभी ने मिलकर ये प्रण लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में फैलाएं और लोगों को अवगत कराएं और एक जो भ्रम है वो दूर करें, जिससे कि लोगों को आगे बढ़कर कॉर्निया डोनेट करने का मौका मिले। श्री क्षेत्र बजाजा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुनील विकल ने आगरा में 20 वर्ष पहले अशोक जैन सीए ने नेत्रदान अभियान शुरू किया था। नेत्रदान में आगरा प्रदेश में नंबर 1 है। देहदान अभियान भी चल रहा है। बजाजा कमेटी, आगरा विकास मंच, हेल्प आगरा, सत्यमेव जयते जैसी संस्थाएं लगातार जागरूक कर रही है। संचालन करते हुए सुशील जैन ने कहा कि आगरा में 70 लोगों को कॉर्निया की जरूरत है, अगर 35 लोगों से नेत्रदान करा दें तो प्रतीक्षा सूची समाप्त हो जाएगी। आज विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर आगरा महानगर के सभी एनजीओज और जो नेत्रदान में हमारा जो स्टाफ है एसएन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर शेफाली जी के नेतृत्व में, उनका आज सम्मान किया गया
और एक जागरूकता अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में 70 लोगों को कॉर्निया की आवश्यकता है। तो हमारा शहर वासियों से एक निवेदन है कि कम से कम हमें 35 अगर नेत्रदान आने वाले 1-2 महीने में मिल जाते हैं तो हमारी लिस्ट 0 हो जाएगी। सभी से मेरा अपील है कि नेत्रदान महादान, इस पर आप सब लोग जागरूक रहिएगा। डॉक्टर शेफाली मजूमदार ने बताया कि अगर हमें 2 लोगों को कॉर्निया लगानी है तो 10 लोगों को बुलाया जाता है, ताकि प्रतीक्षा सूची में लंबित किसी व्यक्ति को कॉर्निया लगाने में समस्या है तो दूसरे को लगा दी जाए। इस बात को समझने में शुरू में समस्या थी, लेकिन अब जान गए हैं। कॉर्निया लगाने के लिए 1,00,000 रुपए तक फीस है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सब कुछ फ्री है। हम प्राथमिकता में युवा को कॉर्निया लगाते हैं। मैं छीतवाया कमेटी की पूरी कमेटी की तरफ से डॉक्टर शेफाली जी, इनकी पूरी टीम को नेत्रदान दिवस पर इनकी जो कार्य करने की जो शैली है कि रात को कभी भी हम बुलाएं, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आगरा के अंदर जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, आगरा विकास मंच हुआ या और भी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो उनसे हमारा आग्रह है। छीतवाया कमेटी अभी एक मुहिम चलाने जा रही है कि पार्कों में मतलब जो है जो बैनर लगा के वो हम लोग जो है जो एक इसका नेत्रदान का जो है जो आदमियों से फार्म भरवाएं। और क्योंकि करीब 70 आदमी की डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमें कॉर्निया की ज़रूरत है, वो हमारे पास कॉर्निया एक भी नहीं है, तो थोड़ी सी मुहिम से ये होगा कि टीम जो हमारी जागृति आवे समाज के अंदर और नेत्रदान जो है जो की संख्या बढ़े। संगोष्ठी के बाद इस मौके पर आगरा विकास मंच के अध्यक्ष राजकुमार जैन, महामंत्री सुशील जैन, ध्रुव जैन आदि ने डॉक्टर शेफाली मजूमदार और नेत्र विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर नर्स एवं ऑपरेशन थिएटर के सहयोगी और उनकी टीम के सदस्यों को माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। सी न्यूज के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।